हम भारत के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया की बात तो अक्सर करते ही रहते हैं। भारत में मीडिया की भूमिका बहुत ही अहम है, लेकिन पिछले कुछ समय से मीडिया क्यों न्यूज से ज्यादा टीआरपी से मतलब है। तभी तो हर चैनल अपने आप को नंबर एक कहता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा टीआरपी होगी वही ज्यादा पैसा बना सकेगा। हाल ही में टीआरपी का फ्रॉड भी सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस ने 3 चैनल के नाम भी सामने कर दिए, जिसमें रिपब्लिक चैनल एक था। आज हम बात करेंगे कि गोदी मीडिया का स्तर अब किस तरह गिरता ही जा रहा है अपने प्रोपेगेंडा को फैलाने के चक्कर में। पहले बात करेंगे भारत की जनता की, जिसने सबसे पहले मीडिया को पहचाना और कई बार अलग अलग मौकों पर बायकॉट भी किया। हाल ही की कुछ घटनाओं का जिक्र करें तो शाहीन बाग में जी न्यूज के एंकर और न्यूज नेशन के एंकर को रोकना और गोदी मीडिया चैनल के लिए बॉयकॉट के नारे लगाना। इजाजत नहीं अंदर जाने की, सरकार किसकी यहाँ चल रही है, किसका पासपोर्ट लगेगा, किसका वीजा लगेगा, कौन सा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ चलता है, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट अलग है, यहाँ इजाजत लेनी पड़ेगी अंदर आने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश की जनता मीडिया का नफरत फैलाने से तंग आ चुकी है और वह समझ गई है कि उनकी आवाज अब शायद ये नहीं उठाने वाले, तो जनता खुद सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगती है। जब यही मीडिया चैनल वहां जाते हैं तब भी इन्हें बॉयकॉट का सामना करना पड़ता है। अब बात आती है मीडिया का पैसे कमाने को लेकर। मीडिया को पैसा कहाँ से आता है? एडवर्टीजमेंट से, और ज्यादा एडवर्टीजमेंट के लिए ज्यादा चाहिए टीआरपी, यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। जिसकी ज्यादा टीआरपी उसको ज्यादा विज्ञापन, ये तो हमने शुरू में ही बता दिया था। किसी चैनल को जितनी ज्यादा रेटिंग मिलती है उसे उतने ही ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं। इन विज्ञापनों की दर भी रेटिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। जितनी ज्यादा टीआरपी उतनी ज्यादा कीमत, जितनी कम टीआरपी उतनी कम कीमत। इससे उस चैनल की कमाई यानी रेवेन्यू पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और यही बिजनेस मॉडल है जिसने आज हमारी और आपकी पसंद नापसंद को भी एक तरह से हैक कर लिया है। पर पिछले कुछ समय से एडवर्टीजमेंट को लेकर अजीब खेल देखने को मिला। जब सरकार ने चाइनीज ऐप बैन किए और देश में चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करने की बात कही तो न्यूज चैनल्स का समर्थन मिला। अब कमाल की बात तो ये थी, जब अर्नब बॉयकॉट चाइनिया जैसे मुद्दे पर डिबेट कर रहे थे कि रिपब्लिक टीवी पर एमआई और वीवो का एड चल रहा था जो कि चाइनीज कंपनीज हैं। इसके अलावा हाल ही में सलमान को लेकर अर्नब ने जो टिप्पणी की, अब वो भी सुनिए। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहाँ छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं, बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? अंदर जी आप क्या बात? बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे कहाँ है सलमान खान? सलमान एक आवाज नहीं उठी, एक स्टेटमेंट नहीं, एक ट्वीट नहीं, पर्सनल क्या? मैं पूछ रहा हूँ सलमान खान कहाँ है? पूरे दिशा सारियान वाले मामले में चुप क्यों हो सलमान? जिस सलमान को वो बोल रहे हैं उन्हीं के शो बिग बॉस का एड वेयर पब्लिक टीवी पर चला भी रहे हैं, तो ये क्या था? खैर ये तो समझ के बाहर ही है। अब तो बड़े बड़े कंपनियां जैसे कि बजाज ने साफ कह दिया है कि वह टॉक्सिक न्यूज फैलाने वाले चैनलों को एड नहीं देंगे। बजाज के बाद पार्ले जी ने भी कह दिया है कि वह भी नफरत फैलाने वाले चैनल्स को एड नहीं देगा। नफरत फैलाने का जिक्र आया है तो मीडिया ने इसमें हद पार करनी शुरू कर दी थी, जिसका असर अब समाज में भी देखने को मिला है। पहले तबलीगी जमात, फिर सुशांत से शुरू होकर बॉलीवुड को बदनाम करने तक मीडिया ने किसी को नहीं छोड़ा। कंगना ठीक कहती है, 99% ये बॉलीवुड के लोग सब ड्रग्स लेते हैं, आप इनका समर्थन कर रहे हो? बॉलीवुड के ये सारे गंजेड़ी, नशेड़ी, भंगेड़ी, अफीमची लोग अब शिकंजे में आ चुके हैं। बॉलीवुड में इस ड्रग्स वाले माजाल की सबसे बड़ी मछली कौन है? माल ने क्या हाल बना दिया ड्रग्स का जाल, दीपिका मांगे माल। माल
यानी है शीश। क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को दीपिका पादुकोण जैसा बनाना चाहेंगे? बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग, बड़े नाम बड़ा खुलासा। दम मारो दम हमारा हैशटैग है। हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतना नशा क्यों हो रहा है बॉलीवुड में। ड्रग्स पर बॉलीवुड के इस भूचाल की बात होगी। बॉलीवुड की ड्रग्स वाली बू फैल गई है। बॉलीवुड के नशेड़िया याद रखो, तुम हमने आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर भी पहुंचा सकते हैं। इस प्रोपेगेंडे का शिकार तनिष्क का नया एड भी हुआ है, जिसे लव जिहाद का एंगल कहकर बॉयकॉट हुआ, जिसके बाद तनिष्क ने एड को विड्रॉ कर लिया और बॉलीवुड को तो क्या कुछ नहीं कहा मीडिया ने। अब इसके बाद बॉलीवुड ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बॉलीवुड के शीर्ष फिल्म निर्माताओं और उद्योग संघों ने दो लोकप्रिय टीवी समाचार चैनलों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इनमें सबसे प्रमुख है रिपब्लिक टीवी और इनके बड़े पत्रकार अर्नब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी और टाइम्स नाउ और इनके बड़े पत्रकार नविका कुमार, राहुल शिवशंकर। इन सब पर मुकदमा दायर हुआ है। उनसे बॉलीवुड और उसके सदस्यों के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना अपमानजनक टिप्पणी से परहेज करने के लिए कहा गया है। न्यूज चैनलों पर दायर मुकदमों में बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े नामों को देखा गया है, जिनमें सुपरस्टार अभिनेता आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार भी शामिल है। टाइम्स नाउ की ग्रुप एडिटर और पत्रकार नविका कुमार ने इस सब पर ट्वीट किया और लिखा, इफ फाइटिंग फॉर जस्टिस इनवाइट्स कोर्ट केसेस, ब्रिंग इट ऑन। ऑल द एलिस्टर्स कैन कम टुगेदर, बट इंडिया विल कंटिन्यू टू फाइट फॉर द ट्रुथ। यू कांट इंटिमिडेट अस एट टाइम्स नाउ एंड कैन टेक अवे द व्यूअर्स हु बिलीव इन अस। लेट द ट्रुथ प्रिवेल। हमारा मीडिया अब कितने स्तर तक गिर चुका है ये तो आप सबने देख ही लिया है। हमारा मीडिया विपक्ष को टारगेट करता है, जनता की असल मुद्दों को नजरअंदाज करता है और नफरत फैलाने का काम भी कर रहा है। अब जनता खुद ही तय कर सकती है कि आपको किस मीडिया को देखना है और किस मीडिया को नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।